Hello friends, welcome to our channel Full on TP. मेरा नाम हिमांशु गोडांबे। आज हम लोग बात करने वाले बिजनेस के बारे में। बिजनेस और कॉमर्स दोनों के डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग का मेन इशू रहेगा बिजनेस को जानना कि वो किया कैसे जाता है। बिजनेस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा पूरा जो मेंटली फिजिकली हमारा सब उसमें लग जाता है, जैसे कैपिटल और मैन पावर दोनों जब एक साथ मिलता है पैसे कमाने के लिए उसे बिजनेस बोलते हैं। अगर इंग्लिश में देखने जाए तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द मनी और अर्न द प्रॉफिट, इसे बिजनेस कहते हैं। मतलब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए उसे हम लोग बिजनेस बोलेंगे। इसमें कैपिटल भी हमारा, पैसा भी हमारा, जो भी चीज़ रहेगा वो हमारा, उससे जो भी पैसा मिलेगा उसे हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। और एक्चुअली बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि सब जन बोलते हैं बिजनेस और कॉमर्स दोनों तो एक है, नहीं पर ये एक्चुअली अलग है। ये हम लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस यानी क्या। आपने एक सामान खरीदा और उसे एक्स्ट्रा एडिशनल लगा के उसमें इम्प्रूवमेंट करके बेचा, उस पर जो पैसा कमाया उसे हम लोग बिजनेस बोलते हैं। और कॉमर्स क्या है, दोनों के बीच के हम लोग डिफरेंस देखते हैं। कॉमर्स यानी क्या, कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो भी होने वाला काम है एक्सटर्नल इंटरनल जिससे हमें पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। अब कैसे, बिजनेस बेचा खरीदा पैसा कमाया बिजनेस हो गया, पर इसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन करना, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करना, इकोनॉमिक मतलब जो बाहर के इसमें जो चल रहा है टैक्सेशन गवर्नमेंट पॉलिसी देखना, जो भी कुछ हम लोग देखेंगे ये कॉमर्स में आता है। कॉमर्स यानी एक्चुअली क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ही है पर वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल में हम लोग जो भी होगा वो कॉमर्स में आता है। बिजनेस के अंदर हम लोग खरीदा बेचा पैसा कमाया बात खत्म हो गया, कॉमर्स का वैसा नहीं है। कॉमर्स क्या है, जो बेचने खरीदने के लिए जो भी मेहनत की है, जैसे मैनेजमेंट किया, इकोनॉमिक को देखा, इंटरनेशनल देखा, नेशनल देखा, पॉलिसी देखा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया, हर एक चीज़ जो भी हम लोग ने किया वो कॉमर्स में आता है। मतलब जो अंदर हम लोग 11 12th के स्टूडेंट का कैसा, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है। क्यों ऐसा क्यों नहीं बोलते कि बिजनेस स्टूडेंट है, क्योंकि बिजनेस हम लोग 11 12th में क्या देखते हैं, हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब उसके अंदर काम कैसा करना है हम वो देखते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट। जो काम हो रहा है उसे कॉमर्स बोलते हैं, इस पर ज़रा सा ध्यान देना, जो काम हो रहा है उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, समझो हमने एक गुड्स खरीदा, अब गुड्स खरीदने के लिए हमने कोई गाँव से गुड खरीदा तो वहाँ पर हमको रेट ज़्यादा रहेगा कम रहेगा वो हमने चेकआउट किया, फिर जो आने के बाद जो मैनेजमेंट स्किल हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, एनीथिंग रिलेटेड फॉर डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। कॉमर्स में हर एक चीज़, जो बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट, जो अकाउंटिंग किया, इकोनॉमिक कंडीशन देखा, गवर्नमेंट को देखा, हर एक चीज़ बाहर का इंटरनेशनल देखा, ये जो काम है वो नेशनली इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड सब जगह चलने वाला है। पर बिजनेस का वैसा नहीं, बिजनेस कैसा, हमने इंडिया में बाई चांस बिजनेस स्टार्ट किया तो वो स्मॉल स्केल का रहेगा तो वो इंटरनेशनली अप्लाई तो नहीं होता है, पर कॉमर्स का वैसा नहीं है, कॉमर्स ये इंटरनेशनली अप्लाई होगा क्योंकि वो अंदर का काम है जो हर एक कंपनी को या हर एक बिजनेस होल्डर को करना ही करना है। कोई भी बिजनेस चालू किया हमें मैन पावर चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके लिए कॉमर्स और बिजनेस ये अलग अलग हो जाता है। कॉमर्स के अंदर बिजनेस चालू होने के बाद जो भी हम लोग करते हैं काम, बाइंग एंड सेलिंग को छोड़ दो, बाइंग एंड सेलिंग के टाइम भी बहुत सारा प्रोसेस होता है वो कॉमर्स में आता है, पर बाइंग सेलिंग प्रॉफिट कमाया बिजनेस हो गया वो तो अलग चीज़ है। पर जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में कैसा होता है, काम चालू होने कैसा हुआ, क्यों हुआ, स्मार्ट वे से, क्विक वे से पैसा ज़्यादा कमाओ, जो भी काम हो रहा है उसे हम लोग कॉमर्स बोल रहे हैं, और जो वो पूरा प्रोसेस होने के बाद जिसको नाम दिया वो बिजनेस है। अंदर का जो थियोरेटिकल है या जो प्रोसेस चल रहा है वो तो वर्ल्ड वाइड है, पर बिजनेस वैसा नहीं है। बिजनेस
हम लोग छोटा होगा मोटा बड़ा होगा एनीथिंग, बिजनेस कैन बी एनीथिंग, पर कॉमर्स वैसे नहीं, अंदर का जो थियोरी है वो आपको वैसे के वैसे अप्लाई करना है। बस आज के लिए ये मेरे जो ऑडियो वीडियो जो भी आपको आपने देखा बस इतना ही। अगले हम लोग ऑडियो में देखेंगे जॉब और बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से फ़ायदेमंद नुकसान दोनों में क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस बिजनेस यानी पैसा कमाना, कोई भी सामान को बेच खरीद के और बेचने के बाद जो भी मिलेगा वो कैपिटल हमारा मैन पावर हमारा सब उसके अंदर जो काम होगा इंटरनेशनली या नेशनली मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कॉमर्स, जो भी काम वो कॉमर्स और जो प्रोसेस होने के बाद जो कमाया बाइंग सेलिंग वो बिजनेस। बस आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।